नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राधा। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत के बयान ने फूल पकड़ लिया है। दिवंगत अभिनेता के मामा आरसी सिंह ने संजय राउत के बयान को गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरसी सिंह ने कहा है कि संजय राउत इस तरह के गलत बयान देकर अफवाह फैला रहे हैं। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की है, इससे सुशांत सिंह और उनके पिता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बड़ा सा लेख लिखा था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की थी। इसको सुशांत सिंह ने स्वीकार नहीं किया था। इसको लेकर पिता पुत्र के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरसी सिंह शिवसेना नेता संजय राउत पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के इशारे पर इस तरह के आधारहीन बयान दे रहे हैं। संजय राउत इस तरह के लेख लिखकर सुशांत सिंह और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने मुखपत्र सामना में आरोप लगाते हुए कहा था कि सुशांत के उनके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसे सुशांत स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि पिता से उसका भावात्मक संबंध नहीं था। साथ ही संजय राउत ने कहा था कि उसी पिता को बरगला कर बिहार में FIR दर्ज कराई गई है। बता दें कि इसके अलावा संजय राउत ने सुशांत के परिवार के बारे में सामना में लिखा था, एक बात सत्य है कि सुशांत का पटना में रहने वाले अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। मुंबई ही उसका आशियाना था। इस पूरे दौर में सुशांत पिता और अन्य रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती, ये दो अभिनेत्रियां उसके जीवन में थी। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था और रिया उसके साथ थी। अब अंकिता रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग अलग बात बता रही है। असल में अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए, इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि जांच का एक हिस्सा होना चाहिए। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।